आशा इकबाल हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस। हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत समाप्त के लिए मंजूर कर ली। डीजी नैब से 29 जनवरी को रिकॉर्ड तलब। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल से शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं, वकील शहबाज शरीफ। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की नाहली के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद। हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने इंतखाबी उजरदारी नाकाबिल समाअत करार दे दी। बादियों नजर में पटिशन ओथ कमिश्नर की तस्दीक के बगैर दायर की गई, जिसकी कानूनी हैसियत नहीं, अदालती फैसला। सानिहा साहिवाल मुबैना दहशतगर्द जीशान से मुतालिक अहम इंकशाफात। हसास इदारों को जीशान के दहशतगर्दों से राब्तों के मजीद शवाहिद मिल गए। सोशल मीडिया की एप्लीकेशन थ्रीमा से जीशान और फैसलाबाद के अदील हफीज का ताल्लुक वाज़े। जीशान के मोबाइल से सूबे में दहशतगर्दी के तीन मंसूबों की तफसील बरामद। जीशान ने प्लान अदील और उस्मान को भेजा। अदील हफीज ने साथियों के साथ मिलकर दौरान अगवा हैदर अली गिलानी पर तशद्दुद किया। जराए असास इदारों ने हैदर अली गिलानी से अदील हफीज की शनाख्त भी करवाई। जराए पंजाब हुकूमत ने सानिहा साहिवाल पर इंसाफ की फरहमी का वादा पूरा कर दिया। 72 घंटे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान पर अमल करके दिखाया। नए पाकिस्तान में कानून से तजावुज करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, सब सुन लें। कानून, मेरिट, इंसाफ की फरहमी हमारे तरजीह है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। सानिहा साहिवाल पंजाब हुकूमत का जेआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट मंजर आम पर ना लाने का फैसला। इब्तदाई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं ला सकते, मुकम्मल रिपोर्ट ही पब्लिक करेंगे। पहली बार हुआ कि किसी हुकूमत ने 72 घंटों में तहकीकात मुकम्मल की, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। ऑपरेशन ठोस मालूमात की बुनियाद पर किया गया, अपने बयान पर कायम हूँ। सूबाई वजीर कानून बशारत राजा की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साहिवाल वाकया मिस हैंडल करने वालों को सजा मिलेगी। तफसीली रिपोर्ट आने पर आवाम के सामने पेश करेंगे। आईजी पंजाब, क्या सीटीडी के एहलकारों से गफलत हुई? आप सीटीडी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? साहिवाल का सवाल, सीटीडी का मुस्तकबिल ठीक है। आईजी का जवाब, चार पुलिस एहलकारों को शहीद करार ना देने के केस में हाईकोर्ट में पेश। सानिहा साहिवाल के खिलाफ मिनी मजदा एसोसिएशन का एहतजाज। गजुमता फिरोजपुर रोड से मकतूलीन के घर तक रैली, मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती। सानिहा साहिवाल से साबित हो गया हुकूमत बसंत के लिए इकदाम करने की अहल नहीं, हुकूमत शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकती। बसंत की इजाजत देना शहरियों को मौत के मुंह में डालने के मुतरादिफ है, अदालत रोकने का हुक्म दे। हाईकोर्ट में एडवोकेट शहराज जका की मुतफारिक दरखास्त दायर। माजूर अफराद के लिए खुशखबरी, महकमा सेहत का माजूर अफराद के लिए 3% कोटा पर भर्ती का फैसला। खाली सीटों पर माजूर अफराद की भर्ती के लिए डाटा तलब, नोटिफिकेशन जारी। माजूर कोटा पर भर्ती की हतमी रिपोर्ट 13 फरवरी तक जमा करवाने की हिदायत। और क्रिकेटर शाहजेब हसन का नाम ईसीएल से निकलवाने का मामला। हाईकोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर एफआईए को 13 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। ईसीबी समेत किसी महकमे में केस जेर अल्तवा नहीं, दरखास्त गुजार।